आई डोंट नो मैंने क्या बना है, कितने टाइम का बना है, क्या चीज़ मैं शूट कर रहा हूँ। जब भी मन कर रहा है कि रिंग लाइट जला के कैमरा उड़ा के बकना चालू कर दे रहा हूँ। ओहो, क्या बारिश हो रहा है। मुझे कष्ट किस चीज़ में हो रहा है पता है? इट्स लाइक यू नो कि यास तो नहीं आया लेकिन साइड इफेक्ट छोड़ के जरूर गया है। श्री ऑमलेट तो आज है 26 तारीख, कल था 25 तारीख। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि दैट आई एम कोविड पॉजिटिव एंड क्या क्या दवाइयां मैं ले रहा हूँ। अभी घर बैठे बैठे कुछ करने का नहीं है तो मैंने सोचा कि दो तीन दिन का व्लॉग भी कर लेते, आप लोग भी एंटरटेन होते रहोगे, मैं भी थोड़ा काम कर लूँगा क्योंकि अभी तो सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार और यूट्यूब ही चल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा है। और न्यूज़ सुना कि नहीं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर बैन होने वाला है दो दिन में? वाह जी भाई वाह। इसके पहले थोड़ा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो @invadi.user404। कोविड में हूँ भाई, इतना ज़्यादा एक साथ नहीं बोल सकते। एनीवेज, और एक रीज़न है जिसके लिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ, दैट इज़ आप लोगों को पता होगा जो मेरे OG सब्सक्राइबर्स है, पिछले साल कोलकाता वेस्ट बंगाल में अम्फान बहुत ज़्यादा हिट किया था एंड आई लिव इन अ प्रिटी बिग हाउस। अम्फान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, एक पेड़ गिर गया था मेरे घर का, एक मैंगो ट्री गिर गया था, दो मैंगो ट्रीज एक्चुअली, एक गिर गया था। बहुत सारे प्लांट्स और पौधे हैं मेरे घर में, वो सारे एक तहस नहस हो चुके थे एंड करीब 3 से 4 व्लॉग मैंने बनाया था क्लियरिंग द पोस्ट अम्फान मेस। ठीक है, इनफैक्ट इधर में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई कुछ भी नहीं था, तो हम लोग, और एक फ्लैट है हम लोगों का, उधर में जाकर रह रहे थे एंड इधर पे सारा काम चल रहा था साइड बाई साइड में और गुरुजी सब कर रहे थे। तो 4 व्लॉग्स मैंने टोटल बनाया, तो जाके देख सकते हो, अगर नहीं देखे हो तो क्या हाल हुआ था मेरे घर का। तो वेस्ट बंगाल में फिर से और एक साइक्लोन आने वाला है जिसका नाम है यश, जो कि आने वाला है 26 मतलब आज को, और टाइम दिया गया था 11 से 12, अभी बज रहे 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, लेकिन हवा चल रहा है बहुत मस्त, बारिश रुक चुका है, कल रात से बारिश हो रहा है कोलकाता में एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलो देखते हैं कि आप, मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो आप लोग विटनेस ज़रूर करोगे। सो अभी मैं एक वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देखता हूँ एंड देन अगर कुछ होता है आई विल अपडेट यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड, पूरा व्लॉग देखना एंड कमेंट करते रहो भाई, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स। ये मेरा बरामदा है जिन में पूरा पानी भर चुका है क्योंकि कल रात से बारिश हो रहा है और आज हम लोग के घर पे कोई भी मतलब जो साफ करती है वो नहीं आई एंड मेन थिंग इज वेयर इज़ माई कार। आप लोगों को पता है मेरा गाड़ी उधर पे रहता है, कवर पहना हुआ, वो है गैराज में क्योंकि साइक्लोन आने वाला है भाई, कुछ भी ये पेड़ वेड़ ब्रांच फ्रांच गिर सकता है मेरे गाड़ी के ऊपर, तो दैट इज़ बाई इट्स इन गैराज। और अभी आप लोग बोलोगे कि तेरा घर पे गैराज है, इट्स अ 2-car गैराज बाय द वे, तो गैराज में गाड़ी क्यों नहीं रखते, बाहर क्यों रखते हो? क्योंकि गैराज में बहुत चूहे का प्रॉब्लम है। मेरा पिछले वाला गाड़ी का मतलब इंडिगो का पूरा एकदम तहस नहस कर दिया था चूहों ने, तो दैट इज़ द मेन रीज़न मैं गैराज में गाड़ी नहीं रखता हूँ। गैराज में सिर्फ पापा का बाइक रहता है और स्टोर रूम है, बहुत सारे चीज़ें हैं, लेटर ऑन एक किसी और ब्लॉग में दिखाऊँगा। गाड़ी अभी गैराज में है, कवर पहनाया हुआ है गाड़ी में। और हाँ जी, मैंने नहीं किया है, संडे को गुरुजी आए थे, थोड़ा घर का काम था इसीलिए, तो गुरुजी ने गाड़ी रख के गया है, मैं नीचे नहीं गया हूँ। ठीक है, प्रॉपरली आइसोलेटेड एंड दिस इज़ माय रात का डिनर, मतलब डिनर तो रात का ही होता है, बहुत दिनों बाद मैं थोड़ा अच्छा खाना खा रहा हूँ, दैट इज़ रुमाली रोटी एंड चना एंड दिस चिकन। चिकन में थोड़ा कम ही खाता हूँ क्योंकि मुझे चिकन खाना पसंद नहीं है। ठीक है, एंड यूट्यूब चल रहा है अभी इधर पे। सो खाना इज़ डन एंड अभी अपना बारी आ चुका है दवाई लेने की एंड 5 दवाई लेने पड़ेगा जो कि हेट, आई गेस एवरीवन हेट्स टू टेक मेडिसिन, सेम हियर गो, आई आल्सो हेट टू टेक मेडिसिन, लेकिन अभी ये 5 मेडिसिन लेना पड़ेगा एंड दोपहर को तो हद ही हो जाता है, 7 मेडिसिन लेना पड़ता है एंड मेन थिंग ये 5 टैबलेट के बाद मुझे ये कफ सिरप भी लेना है। खांसी नहीं है मुझे लेकिन सर्दी हुआ है 2 दिन से लास्ट, मतलब कल से और आज मेरा सर्दी हुआ है, तो यू कैन सी। तो और ये नेजल ड्रॉप, ठीक है, नेजल स्प्रे या ड्रॉप ये कुछ भी हो सकता है,
ये भी लेना पड़ेगा मेरे को। All the tension need relief from this obsession, but I keep myself progressing cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it, every second is a blessing. Got no time to be depressed on this grind, you always stress, so I work harder than the rest that always said to do my best. I don't ever doubt myself, I can count on no. This was my day. अगर कल परसों कुछ मिलेगा ब्लॉग करने के लिए तो करेंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड यश तो नहीं आया भाई वेस्ट बंगाल में, थैंक गॉड। यश दीघा, अपना जो दीघा मंदरमनी साइड है वो पूरा खल्लास हो चुका है, एंड कोलकाता में नहीं आया है यश। तो गुड, सो है कल, मतलब दिस इज़ द नेक्स्ट डे। जस्ट अभी मैं लंच किया है और थोड़ा सा सीनरी अभी कल देख लो भाई, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है अभी। इधर पे खाने के वक्त में चल रहा था 2021 हायाबुसा का अनबॉक्सिंग इंडिया का पहला, एंड अभी टाइम हो रहा है पूरे 3-5 मिनट फास्ट, ठीक है। और वेदर देखो जस्ट भाई साहब, मतलब अभी 10 मिनट पहले बारिश चालू है और वेदर देखो, इट्स लाइक वाओ, लाइक सर्दियों का 5 बज रहा है अभी, लाइक दैट, कहीं सिर्फ 2:45 बज रहा है वेदर। एंड व्हाट अ प्लेजेंट वेदर बॉस, क्या ही बताओ, लग रहा है कि 17-18 डिग्री टेम्परेचर तो होगा। एंड अभी बारी है दवाई खाने का, क्योंकि इट इज़ द मेन थिंग, दवाई खाना है बहुत ज़रूरी है। नाक मेरा पूरा बंद है, क्यों मुझे नहीं पता, सर्दी बहुत ज़्यादा लगा है मुझे, लाइक वेट कफ, नॉट ड्राई कफ, इट्स वेट कफ, सुन सकते हो, बहुत ज़्यादा सर्दी लगा है मेरे को। इट्स लाइक यू नो कि यश तो नहीं आया लेकिन साइड इफेक्ट छोड़ के ज़रूर गया है, साइड इफेक्ट दे रहा है, यश नहीं आया। और दोपहर को 3 बजे इतना धूप होता है कि इधर में खड़ा नहीं हुआ जाता, मुंह पे पूरा जो ग्लो आ जाता है सूरज के वजह से। लेकिन देखो वेदर देखो भाई साहब, बहुत आराम लग रहा है, इतना सुंदर वेदर है। मुझे कष्ट किस चीज़ में हो रहा है पता है, लाइक कोरोना हुआ है वो तो ठीक है, फिर भी ठीक है, प्रिकॉशंस लो, कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन कष्ट सबसे बड़ा चीज़ में हो रहा है कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकता, मुझे इधर पे घर पे खाना पड़ रहा है, ठीक है। एंड सेकेंडली मैं बैग्स को मिलने नहीं जा सकता नीचे तक, एंड थर्डली मम्मा को, मतलब मैं अगर कभी इन फ्यूचर बाहर भी चला जाता हूँ, ठीक है, लाइक पढ़ने पढ़ाई वढ़ाई का सीन के लिए या काम के लिए मैं बाहर भी जाता हूँ, कोलकाता का बाहर या इंडिया का बाहर, तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आई लव टू स्टे अलोन, कि सबको अच्छा लगता है टू बी इंडिपेंडेंट। लेकिन जब घर में आपका पापा मम्मी रह रहे हो आपके साथ, लेकिन आप मिल नहीं सकते उन लोगों से, तो उसमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है। ये एक कभी आपको कोरोना ना हो, ये 2 दिन आप मतलब इम्प्लीमेंट करके देख लेना अपने लाइफ में, समझ जाएगा आपको। ओहो हो हो, क्या बारिश हो रहा है भाई, आई होप मेरा गाड़ी गैराज में एकदम सही हो, कोई चूहा ने कुछ काटा नहीं है, आई होप। एंड अगर आप पेशेंट हो कोरोना, तो आपको फल तो खाने ही पड़ेंगे, इवन इफ यू डोंट लाइक, एंड यस आपको खाने पड़ेंगे। एंड यस खिचड़ी ऑमलेट एंड पापड़ नहीं है, क्योंकि फ्राइड खाना अलाउड नहीं है, एंड दिस इज चटनी। एंड हियर यू कैन सी स्टेफन लुइस, यूटा क्रू, माई फेवरेट इंटरनेशनल यूट्यूबर गैंग, ठीक है। बहुत दिनों बाद कुछ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इन कोलकाता। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, एंड 3 दिन हो चुका है मैंने व्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, 25 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो चुका है, एंड टुडे इज़ फ्राइडे, आज डॉक्टर भी आने वाले हैं होपफुली, तो मेरा चेकअप भी होगा, तो आई विल इंक्लूड दैट, इफ आई एम एबल टू शूट आई विल इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो। तो आई डोंट नो मैंने क्या बना है, कितने टाइम का बना है, क्या चीज़ मैं शूट कर रहा हूँ, जब भी मन कर रहा है कि रिंग लाइट जला के कैमरा उड़ा के बकना चालू कर दे रहा हूँ, बहुत बेकार भी मैंने बोला है, तो
डोंट माइंड दैट, कुछ तो करना पड़ेगा ना. एंड टुडे इज द 8th डे, आई एम हैविंग सिम्टम्स. एंड टेस्ट कराने के बाद आज 5वां दिन है, रिपोर्ट आने के बाद आज 3रा दिन है, ठीक है. एंड आई एम वेरी मच कन्फ्यूज कि कब मेरा क्वारंटाइन एंड होगा एंड कब मेरा दूसरा टेस्ट होगा. तो आई डोंट नो कितने दिन और मुझे इस क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा. लाइक रूम आइसोलेशन दैट इज़ वेरी पेनफुल, वेरी इरीटेटिंग बॉस. तो इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो फॉर व्हाट एवर रीजन, डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, टर्न नोटिफिकेशन बेल्स ऑन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @invalid_404. As always, I'm at the end of today's video. I look forward to seeing you next video real soon. Bye-bye. Everything I'm about to drop, make a name now. Yeah, y'all don't really know, y'all don't really know. Y'all don't really